तो हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज चंदन। वेलकम बैक टू अगेन टेक्नो बीट। तो गाइस, कल मैं गया था मार्केट ड्राई फ्रूट लेने के लिए। तो मैं थोड़ा न्यू कपड़ा पहना हुआ था। हाँ, एक हाफ टी शर्ट था और एक चड्डा था। हाँ सही सुने हो, चड्डा ही बोला हूँ। फिर भी मैं चूतिया ही लग रहा था। हाँ, अब इसमें इतना हंसने वाली बात नहीं है, ओके। कुछ भी हाँ, तो मैं अपने फ्रेंड को बोला कि मेरी एक पिक्चर क्लिक कर दे। तो उसने मेरी पिक्चर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम दोनों घर आ गए। तो मैं उस पिक्चर को देख रहा था, तो वो पिक्चर मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही थी। बट उस पिक्चर में कुछ अनवांटेड लोग आ गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा मेरे को ख़राब लग रहा था। और मैं उस पिक्चर को डिलीट करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पिक्चर काफ़ी मस्त थी। तब मैंने सोचा कि उस पिक्चर को डिलीट करने से अच्छा है कि हम उन लोगों को ही रिमूव कर देते हैं, कुछ इस प्रकार। तो आप भी बस एक सेकेंड में किसी अनवांटेड पर्सन या अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। तो चलिए बताते हैं कैसे। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे ब्लॉग चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर उस वेबसाइट का नाम भी देखने को मिल रहा है, तो उस नाम को देख के डायरेक्ट उसे सर्च भी कर सकते हो। तो चलिए फटाफट उस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। A few moments later. तो गाइस, देख सकते हो हमारे वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले टूल्स देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पे सेकेंड पे आपको एकेडमी, थर्ड पे API, देन ऊपर आपको कुछ मेन्यू देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप लॉग इन और रजिस्टर कर सकते हो। और उसके जस्ट बगल में आपको एक अपग्रेड का बटन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ से अपना सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हो। देन अगेन आप नीचे आओगे, तो यहाँ पे आपको एक अपलोड पिक्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से अपने पिक्चर को अपलोड कर सकते हो। और इस वेबसाइट को यूज करने के लिए आपका इसमें अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं है, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो अच्छी बात है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट अपलोड पिक्चर पर क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको अपना पिक्चर सेलेक्ट करना है, जिसमें से आप अपने ऑब्जेक्ट को या किसी अनवांटेड पर्सन को रिमूव करना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पिक्चर्स अवेलेबल हैं, तो मैं सभी को क्लिक करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये फर्स्ट वाला पिक्चर, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, देन सेवेंथ। यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला चूज कर लेता हूँ। देन हमारे सामने कुछ सेकेंड लोडिंग होगा। तो देख सकते हो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक ब्रश का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। देन सेकेंड पे आपको जूम, अगर आप जूम पे क्लिक करते हो तो आप अपने पिक्चर को जूम कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो हमारा पिक्चर जूम हो रहा है। देन यहाँ पे ब्रश पे आप जाके इरेज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूँ, तो देख सकते हो हमारा एडजस्ट हो चुका है। मैं यहाँ से ब्रश पे जाके, मान के चलो इस लड़के को रिमूव करना है, तो मैं इस पर ऐसे स्वाइप कर दूंगा। तो देख सकते हो ऐसे स्वाइप हो चुका है। देन अगर आपने कहीं ब्रश गलत लगा दिया है, तो यहाँ पे आपको एक अंडो का बटन देखने को मिल रहा है। अगर उस पर टैप करोगे तो आपने अभी जो ब्रश से मार्क किया है वो रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हो हम लोगों का रिमूव हो चुका है। तो मैं फटाफट उस ऑब्जेक्ट पे ब्रश अपना स्वाइप कर लेता हूँ। तो अगर आप इसमें कोई भी प्रोफेशनल तरीके से ब्रश स्वाइप नहीं करते हो, तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये AI की मदद से ऑब्जेक्ट को रिमूव करता है। तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है कि किसको रिमूव करना है किसको नहीं। तो यहाँ पे मैं एक इरेज का बटन आपको देखने को मिल रहा है कॉर्नर में। अगर वहाँ पे आप टैप करोगे तो आपके सामने कुछ सेकेंड लोडिंग होगा। तो फाइनली हम लोगों का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। तो जो लड़की थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको एक आई का बटन देखने को मिला है। अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपका जो पहले पिक्चर था वो देखने को मिल जाएगा। देन इरेज होने के बाद ऐसा कुछ हुआ है। और इसमें से आप किसी अदर पर्सन को या किसी अदर ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर ऊपर के साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन देखने को मिल रहा है। अगर आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ से आप इस पिक्चर को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर लूँगा। देन यहाँ पे आपको बोल रहा है प्लान लेने के लिए। आपको प्लान नहीं लेना है, बस नीचे स्वाइप करना है। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड एट लो रिजोल्यूशन, आपको इस पर टैप कर देना है। देन यहाँ से देख सकते हो हम लोगों का जो डाउनलोड था वो कम्प्लीट हो चुका है। देन अगेन यहाँ से मैं कट कर लूँगा। देन अदर किसी पिक्चर को सिलेक्ट करके आप लोगों को अगेन दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगेन अपलोड पिक्चर पर क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ से मैं दूसरा कोई पिक्चर चूज कर लेता हूँ। तो मान के चलो ये चूज कर रहा हूँ, तो हमारे सामने लोडिंग हो रहा है। देन यहाँ पे अगेन मैं जूम पे जाऊँगा और इसे थोड़ा सा अपने हिसाब से जूम कर लेंगे, तो इतना सही है। देन अगेन मैं ब्रश पे जाऊँगा। यहाँ पे आपको ब्रश साइज भी देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप उसे कम या अधिक कर सकते हो। तो मान के चलो यहाँ पे जो आपको औरत एक देखने को मिली है उसको रिमूव करना है, तो मैं इस पर ऐसे स्वाइप डाउन कर लूँगा। तो यहाँ से मैंने कर लिया है। देन यहाँ पे इसका शैडो भी मेरे को रिमूव करना है, मैं शैडो पर भी कर लूँगा। तो देख सकते हो हम लोगों का हो चुका है। देन अगेन मैं यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे टैप कर दूंगा। देन अगेन हमारे सामने कुछ स्कैन लोडिंग होगा। तो देख सकते हो हम लोगों की जो औरत थी, ओल्ड लेडी थी, वो रिमूव हो चुकी है। और यहाँ से आपको मैं पहले कुछ ऐसा था पिक्चर, अब
अब कुछ ऐसा है दे सकते हो। देन अगेन मैं यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पिक्चर को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। देन अगेन यहाँ से कट करके, देन अगेन यहाँ से कर लेंगे बैक। देन मैं अगेन अपलोड पिक्चर पर क्लिक करके हमारे पास जो जो पिक्चर थे सभी में से ऑब्जेक्ट को मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो चलिए रिमूव करने के बाद मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोगों के पास जितने भी पिक्चर थे हमने सभी में से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर लिया है। तो आपको हम अपने गैलरी में चल के पिक्चर्स भी दिखा देते हैं। Few inches later. देन अगेन हम अपना गैलरी ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से सभी पिक्चर्स को आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पिक्चर, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवेंथ। तो गाइस ये वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके फ़ोटो को ये कंप्रेस कर देती है जिसकी क्वालिटी बहुत डल हो जाती है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो अपने पिक्चर को इन्हांस करके। आप रिमिनी या किसी अदर एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो, और आपको इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे जिसके द्वारा आप अपने फ़ोटो को इन्हांस कर सकते हो और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। खत्म। तो गाइस आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइस, बाय।